चलेगा, इतना कौन एडेट होएगा आपका? हमें धंधा करना है या आपका हम कैंसर और डायबिटीज ठीक करना है? कैंसर डायबिटीज के लिए बड़का बड़का हॉस्पिटल खुला हुआ है, जाइए वहां जाइए, उधर जाइए ना। इधर दूसरा चीज का इलाज होता है जो हॉस्पिटल में नहीं होता है, इधर सिर्फ एक बीमारी का इलाज होता है जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है, और उस बीमारी का नाम है गरीबी। वो है तो इलाज होता है, और ये लगभग भयंकर बीमारी, इसका इलाज आप किसी भी हॉस्पिटल में आप नहीं देखे होंगे, कोई बीमारी का डॉक्टर उसका कोई डॉक्टर नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि पहली बार में कोई नहीं सुनता, ये होता है कि नहीं आपके से? आप जब जाते हैं किसी के पास कुछ बताते हैं, पहली बार में कोई सुनता है? नहीं। अगर आपको इसका आंसर मिल जाएगा तो आप पहली बार में कोई सुनने लगेगा कि नहीं सुनने लगेगा? अगर इसका आंसर आपको हम अभी बता दे कि कैसे आप बताएंगे तो पहली बार में ही सुन लेगा, तो आप बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? बता लेंगे। आप लोग देखिए, बात समझिए, आप लोग बात कीजिए मेरे से, आप लोग क्या कीजिए? बात कीजिए। हम कोई लीडर नहीं है, नेता नहीं है, भाषण देके चले जाएंगे, आप मेरे से बात कीजिए, तब मैं आपके बात को समझ पाऊंगा और आप भी मेरी बात को, मेरा भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी। तो पहली बार में कोई नहीं सुन रहा, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो खुद तरफ अंगुली करके पूछिए अपने से, क्या पूछना है? आप सुने थे एक बार में? सुने थे? नहीं सर। नहीं सुने थे? जब आप नहीं सुने एक बार में, आपको सुनाने के लिए 5 बार 10 बार 20 बार लगा, तो आप कैसे सोचते हैं कि कोई दूसरा आदमी पहली बार में सुन लेगा? दूसरी चीज एक बात समझिए, अगर आपको सफल होना है ना इस दुनिया में, हर इंसान सफल होना चाहता है, एक बच्चा भी सफल होना चाहता है, बूढ़ा भी सफल होना चाहता है, एवरीबॉडी वांट सक्सेस, हर आदमी सक्सेस चाहता है, बट सक्सेस प्राप्त करने का एक फॉर्मूला है, क्या है? खुद पर विश्वास करना होगा। सबसे ज्यादा विश्वास की अगर जरूरत कहीं पर पड़ेगी आपको, वो आपको अपने ऊपर पड़ेगी। ये कंपनी प्रोडक्ट मैं सिस्टम सब बाद में है, पहले खुद पर विश्वास करो, मैं कर सकता हूँ। ये जिस दिन आ गया कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद तो कोई भी रास्ता आपके लिए काम आसान हो जाएगा, फिर आप रास्ता से खुद बना करके आप चलना शुरू कर सकते हैं। तो विश्वास करना है सबसे पहले खुद के ऊपर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस चीज को पहले अपने अंदर खोजिए, इसको बोलते हैं व्हाई। अपनी जिंदगी की शुरुआत कहां से करना है? स्टार्ट विथ व्हाई। करना क्यों है? खुद से सवाल पूछिए। आप यहाँ आए क्यों है? ये भी सवाल आप खुद से पूछिए। आप बार बार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, क्यों जाते हैं? खुद से सवाल करो, और इस सवाल का 5 बार 10 बार सवाल करो, इसे चुकिए मत, क्योंकि पावर यही पर है। अभी आपको बोलूं कि इस दीवार को मार को तोड़ दीजिए, आपसे नहीं टूटेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 5 करोड़ रुपया रख दिया जाए, आप बोल जाएगा के तोड़ देगा, तो सबको तोड़ दीजिए। पावर कहां से आया? कहां से आया? पैसा से नहीं आया, कारण तोड़ने का कारण मालूम है, तोड़ेंगे तो 5 करोड़ रुपया मिलेगा। तो पावर कहां है? कारण के अंदर पावर कहां है? आदमी खोखला मस्ती में कुछ नहीं होगा उस इंसान से, लेकिन जिस दिन उसके अंदर ड्रीम जाग गया ना, सपना जाग गया, उस दिन भूचाल मचा देगा वो दुनिया में। पहले अपने अंदर का कारण को खोजिए, वही आपको मोटिवेट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं मोटिवेट कर सकता है। बाहरी मोटिवेशन टेम्पररी होता है, मैं आपको मोटिवेट कर दूं, आप बाहर जाएंगे आप खत्म हो जाएगा, घर पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन बाद तो आपको याद भी नहीं रहेगा रोशन जी क्या बोले थे। तो जो मैं आज बात कर रहा हूं, ये हकीकत में बता रहा हूं, मेरा काम आपको गलत ट्रैक पे लाकर रख देना नहीं, आप यहाँ ऐसा मेरा करना उद्देश्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जो बाहर मोटिवेशन खोज रहे हैं, आपका मोटिवेशन अंदर है। आपका कारण पहले पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, ये आपको मालूम हो जाए तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाए, नहीं तो आप थक जाएंगे, 4 दिन आप बोलेगा आप थका देंगे, बारह कोई नहीं सुनता है, छोड़ इसे। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्यों है। तो पहले इसको पता कीजिए। आज हम बात करेंगे अपनी आपकी जिंदगी के बारे में। मेरी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? यस सर। बदल गई? अब आपसे मेरा सवाल है, आप बदलना चाहते हैं क्या? हाँ नहीं? यस यस। चाहते हैं? यस। तो पहले आपकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, और मेरा
सवाल जितने नए लोग आए बजरहान उठा दीजिए तो अपना अपना खाली जो पहली बार आए आप आगे हैं खड़ा हो जाइए आप भी खड़ा हो जाइए सवाल पढ़ लीजिए उसका आंसर दीजिए मोबाइल को करिए बंद नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा काम बोलिए आपको अपना जिंदगी के बारे में बोलना मेरा जिंदगी के बारे में बोलिए आप मैं सुन रहा हूँ बाकी हम यहाँ से बोल दूंगा पैसा बहुत सारा पैसा आप रेलवे स्टेशन पे जाके बोलिए सर बहुत सारा टिकट दे दीजिए या फिर आप बोलिए कि हमको बहुत दूर का टिकट दे दीजिए ये कौन सा स्टेशन है इंडिया में कहीं पर है बहुत दूर नाम का कोई स्टेशन है इंडिया में या बहुत नजदीक करके कोई स्टेशन है जब तक आपके पास क्लियर स्पष्ट नहीं होगा कोई चीज नहीं मिलेगा ऐसा चाहिए बहुत सारा एक ही चीज बैठ जाइए आपको सर आप बताइए इसके बारे में मेहनत किसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में मेहनत करना पड़ेगा उससे क्या मिलेगा आपको उसके बाद पैसा मिलेगा बैठ जाइए और क्या है पहली बार हाल तो बहुत बुरा है हम सोचे कि मालूम होगा ऐसे दूरों को पकड़ेगा तो माओ तो पकड़ेंगे आओ क्या है पहली बार इधर आपको यही नहीं मालूम रहेगा आपको मिल भी नहीं करेगा कुछ फिर तो आप घबरा लीजिएगा इधर से कोई नहीं आया पहली बार पहली बार तो जाने ही हमको दे दिया हाँ पहली बार कौन आया है कोई हाथ नहीं उठाएगा मैंने शुरू में बताया कि आप मेरे से बात कीजिए मैं आपका छोटा भाई की तरह हूँ आप मेरे से बात कीजिए तो आप बात नहीं करेंगे तो आप चुप रहेंगे कैसे बच रहे अच्छा छोड़िए खड़ा में कौन बना है तो खड़ा है खड़ा वाले लोग हाथ उठाए तो सामने आ जाइए जो हाथ उठाए तो जरा सामने आ जाइए एक आदमी हाँ सर आप जरा पढ़िए इसका आंसर दीजिए वहीं से बोलिए सुन लेंगे जल्दी अरे इनको बता दिया है पैसा करना मेहनत करना दो चीज बता दिया है आत्मविश्वास होना चाहिए आपको आपको यही चाहिए जिंदगी में विश्वास रहेगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा वो तो हमने बताया था अभी हैं आखिर सर ये हुनर होना चाहिए किसी काम के लिए प्रति कह रहे कि क्यों आपका अल्टीमेट गोल क्या है आखिरी गोल क्या है आपका पूछा जा रहा है आपसे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए हैप्पीनेस फ्रीडम नया है पहली बार है गलत जवाब आप बताइए प्रूफ करके चाहिए और चाहिए हाँ खुशी चाहिए और क्या चाहिए उनका वाला कॉपी कर दिए ना कर दिए ना आंसर आपके सामने है अरे जोरदार ताली अंकल जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए जवान आदमी को नहीं पता है जवान आदमी को नहीं पता है बहुत बड़ी मिस्टेक है उस उम्र में जाकर के पता है सर को और आप लोग जवान आदमी को नहीं पता आप कैसे पाएंगे इसको जब आप ओल्ड स्ट्रीट में चले जाएंगे तब आप सोचेंगे तब तक तो कहानी खत्म आउट हम सबको जिंदगी में एक चीज चाहिए जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस और दूसरा होता है मजा देखने में दोनों एक ही जैसा लगता है मजा हैप्पीनेस मजा खुशी एक ही जैसा लगता है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में मजा टेम्पररी होता है और खुशी परमानेंट होता है आपको कोई कहानी सुनाया आपको बहुत मजा आएगा और वही कहानी को फिर सुनाया आपको थोड़ा कम मजा आएगा और 10 बार सुनाएंगे तो आप मारने उठ जाएगा आपको बुढ़ापा हो जाता है कि नहीं पूछो यार वही कहानी सुनाते हैं बार बार आप गुस्सा कर रहे मेरे ऊपर क्यों क्योंकि आपको जिस चीज से मजा आया था उसी चीज से आपको उबरने लगे आप किसी को रसगुल्ला खाने में मजा आता है ज्यादा खा लीजिए आपको उबरने लगेगा आप बता दिए मजा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आ सकता है जिंदगी में कभी नहीं आ सकता तो आपको मजा चाहिए कि खुशी चाहिए तो बाहर जाके मीटिंग में बाहर आप क्या पूछे में लोगों से कैसा लगा बोले मजा आया मजा लेने आए थे यहाँ पे मजा लेने आया आप लोग नहीं क्या लेने आया है खुशी ये खुशी कैसे मिलेगी आज का हालत कुछ इस तरह का हो चुका है आदमी का
तो बाकी सारा चीज जो आया है ना वो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और खुशी आ गया उसके बाद तो ऑलरेडी वो तो समर्पण हो गया, सब कुछ ऑलरेडी आ गया आपके पास। खुशी किसको बोलते हैं? खुशी की डिफिनेशन क्या हो सकता है? आप मुस्कुराते नहीं है खुशी नहीं है। खुशी का असली डिफिनेशन होता है अपने सभी सपनों को पूरा करना। जिस दिन आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे, खुशियां आपके घर में आराम से चल जाएगी। क्या क्या सपने? सबसे पहला सपना आपके पास होना चाहिए परमानेंट स्वास्थ्य। आप महसूस करें आपके पास ये होना ही चाहिए। आपके घर में कोई भी परिवार अगर बीमार रहेगा, एक भी सदस्य अगर बीमार रहेगा तो पूरा घर परेशान हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य पहला नंबर वन पे आता है। ये अगर आपके पास है आप खुशी महसूस कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा, कितना भरपूर, ताकि सारा सपना मेरा पूरा हो सके। हम जो चाहे गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो सामान खरीदना चाहे, हम जैसा दिखना चाहे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मदद चाहिए पैसा का, कॉपरेट किसका चाहिए? पैसा का। और तीसरी चीज आती है पर्याप्त समय हो अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। समय का गुलाम आप ना हो बल्कि समय आपका गुलाम हो। आप जैसे चाहे वैसे आप रह सके, इस तरह की आजादी, अपने बच्चों के साथ घूम सके, ये खुशी है। यहाँ पे खुशी है। आप खुशी कहाँ खोजते हैं? ऑफिस में, वहां नहीं है, वहां टेंशन है, खुशी यहाँ है। आप ऑफिस में मत खुशी है खुशी को, उसके बाद आपके सपनों की गाड़ी। आज कई लोग की जिंदगी में क्या हालत है? कोई खटारा गाड़ी मिल जाए उसी तरह अंतिम संस्कार तक चलेंगे, उसी से अंतिम यात्रा उसी तक हो गए। अरे उसको चेंज कीजिए, सपनों की गाड़ी आपके दरवाजे पर होना चाहिए, जिससे आपने देखा है सपना। आपका घर आपका सपनों का घर हो। जिस घर